हाय गाइस, सुबह सुबह 6 बजे उठा हूँ. आज जयपुर जा रहे हैं आज हम, एंड आई एम जस्ट गेटिंग रेडी. आई होप द ट्रिप गोज वेल. आई विल शेयर एवरी डिटेल विद यू. एडी, वेयर आर वी गोइंग? जयपुर. ये एंड व्हिच वन इज योर बैग? योर बैग, वेयर इज योर बैग? यस, से लेट्स गो. ओके. आपको दिख रहा है ना? लेटा हुआ है? नहीं, लेटा तो नहीं हुआ. मुझे लगा हमें मजबूर मत करो कि हम ऐसा कदम उठाएं कि धंधे में आपकी हमारी रिश्तेदारी खलल पड़ जाए. भाईचारा है, भाईचारा रखो, रास्ता निकालेंगे. प्रशासन परेशान है. 2 महीने से दोनों हरियाणा और राजस्थान का प्रशासन परेशान है. इन्होंने क्या गलती की है? ये भी संयम से बैठे, हम भी संयम से बैठे. बड़े ही लंबे जाम से निकल के अब हम पहुंचे हैं किंग का ढाबा. यहाँ पे भी हर जगह सेल है. आई वेंट टू सुभाष नगर मॉल कपल ऑफ डेज बैक. यहाँ 65% ऑफ ओशन कलेक्शन पे, 60% ऑफ, बाय वन गेट टू फ्री, डीकॉट पे भी, रीबॉक पे भी 40%. सारी दुकानों पे सेल है. क्या हो गया, इनको बिजनेस नहीं मिल रहा क्या आजकल? सब जगह सेल ही सेल है बेबी, ऐसे क्यों? दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेस ऑन रूट टू जयपुर. सो अगर आप जयपुर कभी आते हैं तो यहाँ पे पक्का आना. इट्स कॉल्ड चूक ना जाना, किंग का खाना. इट्स वेरी क्लीन एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, एंड द प्लेस टू सिट इज ऑल्सो वेरी नाइस. जस्ट लाइक, एंड बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट है. Finally, we have reached Jaipur, Radisson City Centre. This is the lobby. अरे वो कार्ड से होगा यार, एक्सेस कंट्रोल कार्ड देना. कम यार. Switch on the lights. And here's the tour of our
बेडरूम। We have wooden flooring over here, a nice carpet and glasses, and this is for tea. We have a Samsung TV which looks like a 43-inch TV. Maybe someone is here. We have a phone. Let's check out the view. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए सब रिपीट करके इसको मंगाते रहते हैं, बॉडी लोशन, शैम्पू एंड अदर थिंग्स। इट डजेंट मैटर हाउ रिच यू आर, आपका मन करता है ये फ्री में ले जाओ। एंड एडिशन सैनिटाइजर, शावर कैप, डिस्पोजेबल बैग, सोप एंड ऑफ कोर्स बॉडी वॉश and two glasses. I don't know for what. Okay, Ari, hang up the phone. Keep it back. Keep it back. Keep it back. Flash abhi nahi karna hai. Flash kyun karna hai? Idhar aao. Bas. Come back. Jack. Come back. And one thing which has been missed is bathroom slippers. Why didn't you get the bathroom slippers? You should have bought slippers. So even first, I need to tell you something. I can't control myself. Okay, wait. And we started at 11:30, and yahan pahunchte it's almost 6:30. So around 7 hours lag gaye because of the farmers' protest, and all the trucks were diverted to one place. तो आपने देखा ही होगा जो पीछे वीडियो देखी थी आपने, कितना टाइम लग गया। अदरवाइज आई गेस जयपुर पहुंचने के लिए तो इट्स 4 hours is more than enough. मील प्लान में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, एंड इस जगह पे हमने ब्रेकफास्ट करा था, एंड आई विल शो यू व्हाट ऑल इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट। क्या ले रही थी? So, Vibhi, how is the breakfast? Breakfast is really good. So, आप इसको 5 तारों में से कितने सितारे देंगे ब्रेकफास्ट को? 4.2. Already opened है, किसी और का है, wait करो। So, how is the breakfast? Very good. 5 स्टार में से कितने स्टार देंगे? 4. और आंटी आप? Ari, how is the breakfast? Yummy. चलिए आपको रिव्यू मिल गया, द ब्रेकफास्ट इज गुड। हाउएवर आई डोंट थिंक सो कि 5 स्टार के अकॉर्डिंग इतना अच्छा है, देयर कुड हैव बीन मोर। And so finally we have reached Nahargarh Fort. Thank you.
यहाँ पर रहते थे महाराजा देखो वीडियो में बोलना आपको यहाँ पर रहते थे सर महाराजा माधु सिंह जी जिन्हों की नौरानी हुआ करती थी तो नौ रानी की इसमें नौ बेडरूम है। अब बैक साइड ये जो येलो बिल्डिंग है आप देख रहे हो महाराजाओं के समय में उनके जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे उनके बेडरूम हुआ करते थे। गवर्नमेंट ने इस पार्ट को प्राइवेट दे दिया है उन लोगों ने वॉश म्यूजियम वगैरह इसमें बना दिया। क्या बना दिया? वॉश म्यूजियम वैक्स म्यूजियम बना दिया इसमें तो वैक्स म्यूजियम भी आपको लेकर चलेंगे। इस फोर्ट का जो टॉप है उसके ऊपर भी बारिश का पानी आया करता था तो सामने आप लोग देखो बाउंड्री बना हुआ तो टॉप से बारिश का पानी यहाँ आके जमा हुआ करता था और आदमी यहीं आके जमा हुआ तो महाराजा लोग उसी वाले बारिश के पानी को जैसे पीने के लिए नहाने धोने के लिए उसमें लिया करते थे। आज अपने समय बारिश को अगर आ रहा तो पानी बेच जा रहा है आज भी बाउंड्रियों में आके जमा हुआ। इसका पूरा सिस्टम एक अंदर ग्राउंड है तो वो मैं आप लोग को फोर्ट के अंदर से बताऊँगा। इसका मतलब बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। ये वाला जो बावड़ी आप लोग दिख रही हो ये महाराजों का पर्सनल हुआ करता था। एक बिल्डिंग के बैक साइड और है तो वो सैनिकों के लिए हुआ करता था। आप लोगों ने एक मूवी भी देखा होगा रंधे बसंती उसमें गाना देखा हो मस्ती की पाठशाला तो भार वाली बावड़ी का शो। अच्छा वो देख सकते हैं। इसके अलावा इस फोर्ट के काफी मूवी से गया एक आगे जाओगे आप लास्ट पॉइंट एक रेस्टोरेंट वहाँ है तो वो आरटीडीसी नहीं वो ओपन है वो आरटीडीसी टूरिज्म डिपार्टमेंट का है और वो सनसेट पॉइंट है उसमें पड़ाव नाम है उसका वो ओपन है और बार वगैरह हुआ है उसमें आप लोग जा सकते हैं। कारखाने वगैरह ही हुआ कितनी हाइट में आपको गोला। चलिए आपको महारानी के कमरे में लेकर चलते हैं। ये बेडरूम आपको देख रहे हो सर ये बनाया गया है खुला सर्दियों के लिए तो ये लोग सर्दियों के समय में नीचे रहते थे तो गर्मी के समय में होगा। एक महाराजी का ये सेपरेट है उसमें इसी प्रकार के नहीं बना चिमनी बना हुआ उसका स्मोक कनेक्ट होता था सीधा टॉप से बाहर जाएगा। अच्छा और आप क्या पेंटिंग्स वगैरह सब ओरिजिनल है? ये नेचुरल कलर का पेंटिंग है सब्जियों से बने हुए कलर का बाकी ये मल्टीनेस इसमें होगा तो इसमें आज भी कुछ हल्का फुल्का ओरिजिनल पेंटिंग। ओके तो पहले ये सारी महाराजी का ड्रेसिंग रूम होगा। ये महाराजी का ड्रेसिंग रूम इसमें तो मिरर ही नहीं है महारानी ड्रेस कैसे करते हो? ये है किचन है ना यहाँ पे बनता था खाना और यहाँ पे ये चिमनी सिस्टम है यहाँ से ये धुआं जाता था। अरे बाप रे। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो एक गाइड जरूर कर लेना क्योंकि गाइड भैया ही सब कुछ दिखाते हैं नहीं तो कोई नॉर्मल बंदा आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। ये वाला सर्दियों का बेडरूम हुआ करता था ये ऊपर वाला उनका गर्मियों का होता था। ये एक महारानी का सेपरेट है अब इसमें इसी प्रकार की नाइन बेड इसका जो टॉप आप लोग देख रहे हो उसमें जो भी बारिश का पानी आया करता था आप ये हॉल देख रहे हो ये हॉल अच्छा बारिश का पानी कनेक्ट हुआ करता था बाहर मैंने आप लोग को बावड़ी बताया था यहाँ से वहाँ जाके जमा हुआ करता तो इसका पूरा सिस्टम यहाँ से कनेक्ट तो महाराजा लोग उसी वाले बारिश के पानी को पीने के लिए नहाने धोने के लिए इसमें लिया करते थे। यदि आज अपने समय बारिश वगैरह आ रहा तो पानी वेस्ट होता है। ये देखो ये खुलता नहीं है बट स्पेशली आपके लिए खुलवा रहा हूँ मैं। एक मिनट बटन थोड़ा अब आप लोग बता। अब ये महारानी का बेडरूम हुआ करता था गर्मियों के लिए गर्मियों के टाइम पे ये बेडरूम इसके अंदर रूमों का ड्रेसिंग रूम हुआ जो स्पेशल महारानी का।
कुशेश्वर महाराज का प्रश्न। महारानी के पास ड्रेसिंग रूम के लिए शीशा। ओके। अरे वाह। नाहरगढ़ फोर्ट से पूरी जयपुर सिटी का व्यू दिखता है एंड द व्यू इज अमेजिंग। अच्छा, आप ये जो हुक देख रहे हैं, ये हुक दीवारों के चारों तरफ लगी हुई है। तो पहले देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज दे यूज टू लाइट अप द फोर्ट यूजिंग मशाल वगैरह। पूरा फोर्ट में ये हुक्स हैं, तो ये हुक में लगा के सो इमेजिन कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। अब यहाँ पे ये जो है सीढ़ियाँ हैं, दी स्टेयर्स आर वेरी स्मॉल विच गोज टू द टेरेस यहाँ तक। और द रीज़न ये स्टेयर्स बहुत स्मॉल है इज दैट कभी कभी जब अटैक हो जाता था महाराजाओं पर, तो वहाँ पर एक एक बंदा ही स्टेयर्स में एंट्री कर सके। The width is actually very small and only one person can fit into it. And the reason, as I have already told you, it's because during an attack there is only one guy who can come up one time. And this is the terrace of Nahargarh Fort. Nahargarh Fort. When you come to Jaipur, you should make sure that you visit here. It's very beautiful and yahan ki history bhi bahut achhi hai. The view is amazing. Of course, camera mein itna acche se dikhega nahi, but then when you come over here, you will come to know that the view is amazing. And abhi hum yahan se I guess Amer Fort, and there is one more fort which is jahan pe Jaigarh sabse Jaigarh Fort hai, jahan pe duniya ki sabse badi top hai, wo dikhaunga main aapko. And I'm very excited to see that. It's the first time that I'll be visiting. And the view is amazing. And Jaipur ki khas baat hai, yahan pe kite flying is all year round. Jo ki Delhi mein sirf I guess 15th August ko hoti hai. Maine yahan pe dekha hai ki kite flying yahan pe totally I think yahan pe jab main entry bhi kari thi maine, tab bhi maine dekha tha bahut sare log kite flying interested. And yahan se bhi jab aap niche view dekhoge, you can actually see people flying kites, but then of course camera mein nahi dikh raha. Nahargarh Fort से अराउंड 500 मीटर देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड पड़ाव एंड वी आर गोइंग देयर। सो बेसिकली यहाँ पे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है एंड यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर ओन फूड ऑफ कोर्स। दिस इज द वे टू द रेस्टोरेंट। ये एंट्री टिकट है पर पर्सन 400 रुपये, जिसमें टी एंड कॉफी इंक्लूडेड है एंड दिस इज द रेस्टोरेंट। Looks very beautiful. अब तो कुछ खा लो। यानी यहाँ का बार भी है। Wow, imagine Nahargarh Fort के पास पे आके around 700 feet पे you're having a beer, chilled.
हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं, वी हैव रीच्ड जयगढ़ फोर्ट एंड यहाँ पे सबसे बड़ी तोप है जो हम अंदर जाके देखेंगे। सो लेट्स गो। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि एक चश्मा ले लूँ, तो भैया मिले मेरे को यहाँ पे चश्मा ले लेने। भैया चश्मा कितने का है? 100 रुपये। आप 100 रुपये का क्यों बेच रहे हो अब इतने कम में? अरे सर जी आप अच्छा पहले टूरिस्ट नहीं आते थे है ना? नहीं पहले टूरिस्ट ज़्यादा आते थे, अब टूरिस्ट कम होने लग गए। चलो ये देखो भैया के चश्मे, भैया से लेना आओगे आप यहाँ पे तो चश्मा जयगढ़ फोर्ट में। ये है जयगढ़ फोर्ट की एंट्री जहाँ पे द टिकट इज़ अबाउट 100 रुपीज़ एंड द गुड थिंग इज इफ़ यू पे अबाउट 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा यू कैन गेट योर कार इन साइड दिस गेट। इस गेट के अंदर देखे जा सकते हैं, बट देन मैनी पीपल डिसाइडेड अगेंस्ट इट एंड डिड नॉट पे द 100 bucks एंड दे हैव पार्क्ड देयर व्हीकल्स हियर। So I have decided to take my vehicle inside the fort. Should be cool. इसको बनने के बाद एक ही बार चला टेस्टिंग के लिए, इसकी आवाज से ना काफी लोग बहर हो गए थे, कई पक्षियों की डेथ हो गई थी। तो आप ये जो बोल रहे हो कि अगर कान के पर्दे फट जाते तो चलाते कैसे इसको जो साथ में एक ही बार चली टेस्टिंग चला है ना बहुत तो तभी फट गया बाद में पता चला है। अच्छा पहले टीवी सीरियल आता था टीपू सुल्तान देखोगे आपने सुना होगा, उसी फिल्म सिटी दिखाई थी टीपू सुल्तान में जगह ना ये वाटर टैंक था और वैसे ही राजू ने अपने पानी का टंकी बनाया प्लान था लेकिन अचानक इसका प्रोग्राम चेंज हो गया। इस जगह को अपनी हिंदी फिल्म था खुदा गांव उसको पत्थर तोड़ते को दिखाया गया। खुदा गांव में कौन था? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन श्रीदेवी का। अच्छा तो उसमें जो मेन सेंट्रल जेल दिखाते हैं सामने जो गेट लगा हुआ तो वहाँ से बाहर निकालते हैं श्रीदेवी साथ चलती है। अच्छा उधर से विजिट करते हुए नीचे उतार के ये पूरा जेल का शोर होता है। अच्छा तो खुदा गांव में अफगानिस्तान इसको दिखाया था। वो गाड़ी आ रहा था वाइट वाला चाहत था शाहरुख खान की उसे गाने का शूटिंग का सोता हुआ जो कभी तोप के सामने डांस करते हैं तो उसके अंदर दिखाया है। अच्छा तो चाहत फिल्म अगर आपने देखनी है तो आप ज़रूर देखना, यही थी लोकेशन, उसमें जो एक गाना था शाहरुख खान जिसमें श्रीदेवी नाचती है। तो जयगढ़ फोर्ट में कैबल राइड भी है सो डोंट मिस इट व्हेन यू कम। इट कॉस्ट अबाउट 100 रुपीज़ पर पर्सन सो मी एंड माय सन एडी विल गो फॉर अ कैमल राइड। ये आमेर फोर्ट की पार्किंग है तो नीचे से ऊपर आने के लिए लोग आपको बोलेंगे कि 350-400 रुपये की जीप ले लो, ये जो जीप दिख रही है सामने, बट देन आई डोंट थिंक सो इट्स ऑफ यूज़ बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है। सो आप अगर आपके पास अपनी गाड़ी तो आप खुद ही आ सकते हो। ये वाली जीप, इस जीप में दे विल टेल यू दैट द वे इज रियली बैड एंड द रोड्स आर ब्रोकन बट इट्स एक्चुअली नॉट, द रोड्स आर लाइक दिस।
₹2 दो ना, लियो पहले आ ले ले कितना We are here at Amber Fort. What you just saw was Gadar ka gana udja kale kaawa tere muh vich khand paawa, and it was a really nice song. And this is the actual fort. Maybe. फोटो बनवानी है? कौन सी वाली? आओगे जब मिल जाएगा, पैसा बाद में लेते हैं। ये पगड़ी पहना के ये वाली फोटो बस। अंबेर फोर्ट, अंबा जी का टेंपल है सामने, इसलिए इसका नाम अंबेर फोर्ट रखा गया। अंबेर फोर्ट को बनाने में 3 जनरेशन लगी है, राजा मान सिंह फर्स्ट, राजा जय सिंह फर्स्ट और सवाई जय सिंह सेकेंड। सवाई जय सिंह सेकेंड लास्ट राजा अंबेर के, फर्स्ट राजा जयपुर के, जिन्होंने 5 जंतर मंतर बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई, जयपुर सिटी शहर को बनाई। तो देखिए जो इनकी जनरेशन चली आ रही है, रामचंद्र जी के पुत्र कुश की जनरेशन है, जिन्हें कुशवा वंश कछवा वंश के नाम से जाना जाता है। इस पैलेस को बनने में 137 साल लगे हैं और इसमें आने जाने के लिए 2 एंट्री गेट हैं। फर्स्ट गेट है सूरज पोल, जिसको सन गेट के नाम से भी कहते हैं। यहाँ से राजा गैस उनके रानिया एलिफेंट पर बैठ के आया करते थे। बाकी मून गेट, अदर वाला मून गेट है, जो काम होता था रात में वो गिर जाते थे। तो नाहरगढ़ फोर्ट में जो भी दीवारें बनती थी, राजा वगैरह बनाते थे, वो गिर जाती थी रात में अपने। अच्छा। रात में गिर जाती, दिन में खड़ी रहती थी, रात में गिर जाती थी पूरा काम। फिर उसके बाद में माधो सिंह सेकंड आया तो उन्होंने काम स्टार्ट करवाया। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, तो उसने तांत्रिक से सलाह ली कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा कि नाहर बाबा नाहर सिंह, उसकी आत्मा यहाँ पे है, जब तक उसकी आत्मा की शांति के लिए ये मंदिर वगैरह नहीं होगा, हवन नहीं होगा, तो ये पैलेस पूरा नहीं हो पाएगा। उसने वैसा ही किया, नारगढ़ के नीचे उनका एक चबूतरा बनाया, टेंपल बनाया, उसके बाद में काम स्टार्ट करवाया। तब उसके उनके महाराज के 9 रानियाँ थी, तो 9 महल बनवाए समर सीजन और विंटर सीजन के लिए। हाँ, नीचे और ऊपर जो था जी, हाँ कमरे, तो तब ठीक हो गया। हाँ, तब ठीक हो गया, तभी वो बन पाए 9 महल। यह है आगे अरावली हिल्स का व्यू। हाँ जी भैया। अच्छा, मंकी फाइटी फाइटी सी पी पी है।
जयपुर की लोकल ड्रेस बना के देखते हैं इस बार। हरी, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वेयरिंग व्हाट? जयपुर लोकल ड्रेस, धोती। एंड हमें किचन में दिखाई और किसी को पहनना ड्रेस नहीं, भी और किसी को नहीं पहनना। एंड वी आर गेटिंग अ पिक्चर डन फॉर 100 bucks एंड द साइज इज रियली गुड। सो द लास्ट स्टॉप ऑफ आवर आइटनरी इज जल महल, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। बट जल महल तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्यों? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही कमर्शलाइज हो गया है। आई विल शो यू व्हाई। एंड दिस इज राइट आउटसाइड जल महल। इट्स मोर ऑफ एन एडवेंचर पार्क हियर, बलून्स, हॉर्स राइड, शॉपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You can't go inside actually. देखिए ये है जल महल एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग विच इज वेरी डर्टी एंड इट्स वेरी स्मेली एज़ वेल। दिस प्लेस कुड हैव बीन सो ब्यूटिफुल, इट इज़ ब्यूटिफुल एक्चुअली, बट देन आई थिंक ये जो कूड़ा है इसको साफ करवा दें। And I think the government should take responsibility to clean this up.